हाय गाइस, फाइनली हम आ गए हैं धामपुर और मेरी मौसी टांग कर ले गई है चीका को घर के अंदर। और चीका मस्त हो गई है अपने दो नए मामाओं के साथ, ओशी और अरु। घर आकर हमने लंच करके थोड़ा रेस्ट किया और जब उठे तो देखा कि किट्टू ने चीका की चप्पल पहनी हुई है। चीका, मामा ने तुम्हारी चप्पल पहन ली बेटा। बहुत टाइम से मेरी नजर थी एक प्लांट पर जिसका नाम है एग्लोनिमा। मॉल में मिलता है 1500 रुपीस का छोटा सा एक प्लांट, लेकिन मुझे तो फ्री में चाहिए था, इसलिए मैंने मौसी को बोला और मौसी ने कहा रुको मैं तुम्हें शरद से दिलवा देती हूँ। मैंने पूछा ये शरद मुझे प्लांट क्यों देगा, उन्होंने कहा देगा नहीं, देगी, शरद लड़की है। सो एक बहुत क्यूट सी लड़की है जो मौसी की नेबर है और मेरी सब्सक्राइबर भी है। अब हम बैठे हैं उसी के घर में। यहाँ पर एक एक्वेरियम भी है जिसमें से चीका को मछलियाँ चाहिए बाहर। सो एक टर्टल है जिसका नाम है राजा और ये इंसानों से बहुत अटैच्ड है, बहुत रिस्पॉन्ड करता है। जब इसको फिंगर दो तो ये अपना हाथ टच करता है फिंगर के साथ। सो चीका के लिए इसको बाहर निकाला जा रहा है और देखिए कैसे तैयार है ये बाहर आने के लिए। सो शरद के अलावा बाकी सभी लोग इससे डरते हैं, इसको छूने से थोड़ा कतराते हैं क्योंकि वो एक फीलिंग होती है ना, दैट आई कांट टच इट। सो शरद डिस्क्राइब कर रही है कि उसकी मम्मी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब टर्टल उनके सामने आता है। तो कछुए के लिए क्या बोलती है, हमें इतना डर नहीं लगता है, वैसे मैं इतना नहीं डरती हूँ। फाइनली हम गए छत पर, वहाँ पर उसने मुझे बहुत सारे प्लांट्स गिफ्ट किए। मैं सिर्फ एक प्लांट लेने गई थी लेकिन सो स्वीट ऑफ हर कि उसने इतने सारे प्लांट्स मुझे दे दिए। बहुत पुरानी हो गई साइकिल, मैं इसे हर बार पेंट कर लेती हूँ, कभी व्हाइट कभी ब्लैक। और अगली सुबह धामपुर से निकलने का टाइम आ गया है, मैंने कार में सारे प्लांट्स रख लिए और अब मैं उनको लेकर जा रही हूँ अपने साथ में। बाय कर लो बेबी, बाय कर लो।